अरमान और आजमा ने दी घर वालों को खुशखबरी, माँ बनने वाली है आजमा, आलिया चलेगी नई चाल। दोस्तों, सीरियल उडारिया में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अरमान और आजमा देंगे घर वालों को खुशियां। जी हाँ दोस्तों, आजमा बनने वाली है माँ। जैसे ही ये बात अरमान को पता चलती है, वो खुशी से झूम उठता है। ऐसे में अब ग्रैंड सरप्राइज देने वाले हैं अरमान आजमा घर वालों को। यहाँ पर स्पेशल प्लान करते हैं घर वालों के लिए अरमान और आजमा। ऐसे में बहुत खुश है अरमान आजमा। जैसे ये घर वालों को ये बात बताते हैं, घर वाले खुशी से झूम उठते हैं। ऐसे में आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अरमान आजमा घर जाएंगे और घर वालों को देंगे अरमान और आजमा के पेरेंट्स बनने की खुशखबरी। जैसे ही ये बात घर वाले सुनेंगे, वो तो खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन आलिया को लगेगा तगड़ा झटका, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें, आलिया चाहती थी कि अरमान उसका हो जाए, लेकिन अब अरमान और आजमा के बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद अरमान वैसे भी आलिया के पास कभी नहीं जाने वाला। आलिया का सपना जो है वो टूटता हुआ उसे दिख रहा है, लेकिन ऐसे में आलिया चल सकती है चार और एक बार फिर से घर वालों के मन में भर सकती है जहर। आलिया ये साबित करने की कोशिश जरूर करेगी कि ये बच्चा आजमा अरमान का नहीं, बल्कि मुर्तजम और आजमा का है, जिससे कि घर वालों के मन में पैदा हो जाएगा शक। वहीं दूसरी ओर आलिया पूरी कोशिश कर रही है जैद को घर से बाहर निकालने की। जैद ने आजमा के पेट में बैट से मारा था और अब आलिया जैद को कहती है कि सबको बता दो कि तुमने अपनी माँ को मारा है। आलिया चाहती है कि घर वालों को लगे कि जैद आजमा को पहुंचाना चाहता है नुकसान। ऐसे में आने वाले एपिसोड में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आजमा पर अटैक कराएगी आलिया। अब देखना होगा आलिया चलेगी कैसे नहीं चाले। क्या लगता है आपको, कॉमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।